ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਥਲਾ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਬੈਨ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ पाकिस्तान च वापरिया भयानक सड़क हादसा 14 यात्रियों की हुई मौत पंजाब सरकार वालों सूबे के किसानों को वड्डी राहत ब्राजील च भारी मीह के कहर करके 36 लोगों की हुई मौत राघव चड्डा दे बोल जलंधर च आप नाल जुड़ रहे ने वड्डे वड्डे सियासी लोग पंजाब पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील गायक सिद्धू मूसेवाले ने समर्पित टूर्नामेंट होया रद्द पार्किंग विवाद करके 5 लोगों की हुई मौत अमृतपाल सिंह का साथी तूफान होया हिरासत विच इस फरवरी सरकार देगी 20 तो 28 तक डबल राशन ते हुण खबरां विस्तार नाल बंदी सिंघां दी रिहाई चंडीगढ़ मोहाली विखे संघर्ष हले भी जारी है अते संघर्ष दिन ब दिन लगातार वधदा जा रहा है इस संघर्ष विच हुण सिख जथेबंदियां ही नहीं बल्कि मुसलमान भी शामिल हो चुके हैं कौमी साहब मोर्चे का कहना है कि लोग इस विच वध चढ़ के हिस्सा लैन हरियाणा दीआं दर्जनां खापां ने एकजुटता नाल फैसला लैण दे सूबे दे प्रिंटिंग अते स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह दे कैथल जिले विच दाखले ते पाबंदी ला दित्ती है खापां ने ऐलान कीता है कि जेकर संदीप सिंह कैथल किते वी आउंदा है तां उस ते विरोध कीता जावेगा महिला कोच वल्लों मंत्री संदीप सिंह उत्ते छेड़छाड़ दा दोष लाउण ते बाद पूरे हरियाणा च लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम अते व्हाट्सएप वर्गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां दी मूल कंपनी मेटा ने प्रीमियम वेरीफिकेशन सेवा दा ऐलान कीता हुण फेसबुक अते इंस्टाग्राम ते वेरीफाइड अकाउंट यानी ब्लू टिक लई भुगतान करना होवेगा इस हफ्ते इह सर्विस पहली बार आस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड विच शुरू कीती जावेगी जल्दी ही इस सेवा नूं होर देशां विच वी शुरू कीता जावेगा पूर्वी पाकिस्तान विच एक तेज रफ्तार यात्री बस एक मोटरवे नाल टकरा गई अते पलट गई जिस नाल घट्टो घट 14 यात्रियों की मौत हो गई अते 63 लोग जख्मी हो गए पुलिस अते सरकारी अधिकारियों ने सोमवार नूं इह जानकारी दित्ती आप सरकार वालों सूबे विच खेती मशीनीकरण उत्साहित करने लई SMM स्कीम अधीन वख-वख मशीनां नूं सबसिडी ते खरीदण लई अर्जियां दी मांग कीती गई है पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि किसान आधुनिक तकनीक नाल प्यार नवें खेतीबाड़ी सन सबसिडी राहीं खरीद के अपनी आमदन नूं दुगना करन पंजाब सरकार वालों प्रदूषण नूं घट करन धरती अंदरले पानी नूं बचाउण अते किसानां दा खर्चा घटाउण अते नवीं तकनीक दे खेतीबाड़ी मुहैया करवाउण लई जतन जारी हन ब्राजील के दो शहरों में हड़ और जमीन खिसकन कारण घट्टो घट 36 लोगों की मौत हो गई दस दिए कि इतने तबाही की स्थिति इन्नी बनी हुई है कि जिसके मद्देनजर उन्होंने अपने कार्निवल त्यौहार भी रद्द कर दिया है इस दे नाल ही बचाव टीम लापता जख्मियों और मलबे में दबे लोगों की भाल कर रही हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर कौमी आगू ते राज्यसभा मेंबर पंजाब राघव चड्डा बीते दिन जलंधर शहर पुजे इस दौरान जलंधर सेंटर तो विधायक रमन अरोड़ा वालों उन्हां दा स्वागत किया गया विधायक रमन अरोड़ा ने कहा कि राज्यसभा मेंबर वजो जिस दिन तो राघव चड्डा ने जिम्मेवारी संभाली है उस दिन तो पंजाब ते पंजाब वासियों की तरक्की खुशहाली ते उन्हां दे रोशन भविख लई हमेशा राज्यसभा च आवाज बुलंद कर रहे हैं नशा ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ गायक सिद्धू मूसेवाले ने समर्पित कबड्डी टूर्नामेंट नूं रद्द कर दिया गया है मीडिया रिपोर्टां दी मन्नीए तां कबड्डी टूर्नामेंट नूं रद्द करन दे पिछे इक गैंगस्टरां दा हत्थ दस्या गया जानकारी अनुसार कबड्डी टूर्नामेंट नूं रद्द करन दे पिछे गैंगस्टरां दा हत्थ दस्या गया है सूत्रां तों पता चलिया कि गैंगस्टरां वल्लों खेडण आईआं टीमां नूं डरा धमका के खेडण तों रोकिया गया बिहार की राजधानी पटना च पार्किंग नूं लैके होए विवाद ने भयानक लड़ाई का रूप लै लिया जिस तों बाद 5 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई इस घटना च हुण तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 की हालत नाजुक बनी हुई है कोरोना तो बाद शुरू हुई फ्री राशन की स्कीम नूं सरकार ने इस साल यानी 2023 विच दिसंबर तक वधा दिता जिथे सरकार राशन कार्ड धारकों नूं हर महीने रहन दिंदी सी उत्थे ही सरकार इस फरवरी 2023 विच डबल राशन देवेगी यह राशन 20 फरवरी तो 28 फरवरी तक वंडिया जाएगा
ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਲਪਰੇ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।